ये देखिए किस तरह से ये पंगास मछली है, आप देख सकते हैं ये पंगास मछली है। ये जो है ये इसमें मांगुर मछली है। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं कुछ आपको अलग दिखाने जा रहा हूँ, अलग क्या दिखाने वाला हूँ। बहुत लोगों का सोच होता है कि हम तो मछली पालन कर लेंगे लेकिन हम उसको बेचेंगे कहाँ। तो दो तीन वैरायटी का जो मछली है जो बहुत आसानी से बिक जाता है, जैसे कि आपका हो गया मांगुर, हो गया पंगास, हो गया रेहू, हो गया कतला, हो गया ये चार पांच तरह की जो मछली है ये बाज़ार में आपको होलसेलर में बिकती है। होलसेलर मतलब होलसेलर ख़रीदना चाहता है इस मछली को ताकि वो बहुत आसानी से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब रिटेलर तक पहुँचा देता है। तो मैं आज आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि इसका जो हब कहाँ है और किस कितना मछली लाते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस जगह को जहाँ पर मछली खुदरा विक्रेता वहाँ से लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ में, मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह को ताकि आप भी जान सकें कि मछली हमारा कहीं भी नुकसान नहीं करेगा। ये मेरा जो रिटेलर है मतलब रिटेलर है वो आसानी से खरीद लेगा और अच्छा मुनाफा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आया हूँ मछली का हब, जहाँ पर मछली रिटेलर्स मतलब होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है, रिटेलर कस्टमर को दिया जाता है। तो यह स्थिति ये है कि ये देखिए किस तरह से ये पंगास मछली है, आप देख सकते हैं ये पंगास मछली है। ये 800-900 ग्राम का मछली है और इसे बेचा जाता है कस्टमर को। ये इस तरह से इस गोदाम से मतलब जो खुदरा विक्रेता है वहाँ तक ही जाता है ये मछली। और ये देख सकते हैं, और मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। ये जो है ये इसमें मांगुर मछली है। तो ये अंधकार के चलते आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हम इसमें लाइट जलाते हैं। लाइट जला के दिखा रहे हैं। ये इस तरह से मांगुर मछली है। यहाँ पर 3-4 क्विंटल के आसपास में मांगुर मछली है, जो ये भी खुदरा विक्रेता के पास ये जाएगा और एक खुदरा विक्रेता इस मछली को बेचेगा। आप देख सकते हैं मांगुर मछली किस तरह से है। ये है मांगुर मछली, आप देख सकते हैं। आगे पकड़ो, आगे जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि मछली तो हमारे पास एक पंगास और एक मांगुर था। तो आप लोग सोचेंगे ये जो बेचने वाला है खुदरा ये किस रेट में लिया। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जब भी लेंगे तो मार्केट में जो खुदरा विक्रेता है उससे 10 रुपये टाइट लेंगे। मतलब कि अगर 80 रुपये किलो पंगास लेते हैं तो ये रिटेलर मतलब खुदरा विक्रेता को 90 रुपये में देंगे। और इसी तरह से मांगुर में भी है, अब वो 95 रुपये मांगुर खरीदेंगे तो 110 रुपये किलो मतलब 10 रुपये टाइट करके खुदरा विक्रेता को देंगे। वो खुदरा विक्रेता जो करता क्या है, उसको मछली को काटता है, उसका चोया को निकालता है और उसे पीस पीस करके बेचता है। तो कमीशन अपना मतलब बचत 20 से 30 रुपये के बीच में कमाता है। और ज़्यादा लेने पर आप मार्जिन भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से बिजनेस चलता है। हालांकि ये रेहू कतला मांगुर और पंगास का यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट है। ये क्विंटलों क्विंटल लेने का प्रावधान है और ये हमेशा कुछ सस्ता अगर माल मिलता है, अगर लोकल तालाब वाले अगर तो कांटेक्ट करते हैं तो वो 5-7 रुपया ज़्यादा बेनिफिट के चलते वो ज़्यादा उन लोग से माल लेने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि इनका होलसेलर जहाँ है वहाँ पर एक फिक्स रेट होता है, वहाँ पर निर्धारित होता है, उस क्या बोलते हैं उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर
होलसेलर से अगर वो 10 रुपये कमाना चाहते हैं और वो खुदरा विक्रेता खुद जाके होलसेलर से लेना चाहेगा तो उसका कुछ बचत भी होता है। तो इस तरह से 10 रुपये का ही मार्जिन इसमें है और सॉलिड मार्जिन है। तो एक सवाल होगा कि ये जो गोदाम है इस जगह कितना माल लेते होंगे। यहाँ पर 4 क्विंटल 5 क्विंटल माल एक साथ खरीदाता है। 4-5 क्विंटल बहुत ज़्यादा माल होता है और बेचने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। बर्फ में रहता है पंगास मछली, उस 3 दिन के अंदर में उसको बेच के हटाना पड़ता है, नहीं बिकने पर नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से इनका बिजनेस है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक मतलब अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल में अगर नई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मछली पालन अच्छा बिजनेस है, आप भी कर सकते हैं, गोदाम भी खोल सकते हैं।